أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो लेक्चर है वो पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में हम क्या कहते हैं कि जी, तो पीरियोडिक टेबल में हम आगे जब आते हैं तो पीरियोडिक टेबल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है. तो बेसिकली हम ये बात करते हैं कि इसमें हम बात इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे होंगे, ग्रुप वन एलिमेंट्स, ग्रुप सेवन एलिमेंट्स, ग्रुप एट एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं. हालांकि ये जो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सब की, ये काफी छोटी मोटी बात होगी, कोई लंबी बात नहीं होगी. ए लेवल्स में जाके इसकी ज्यादा डिटेल आती है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसकी एक छोटी मोटी बात कर रहे होंगे. तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये पीरियोडिक टेबल होता है. ये जो ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है इसको स्टेयरकेस लाइन कहते हैं. और हमने ये कहा कि ये आपके ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ग्रुप्स हैं और ये पीरियड है. ये पूरा है पीरियड, ये पीरियड, ये पीरियड, ये पूरा पीरियड है. ठीक है. अच्छा जी, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम कुछ बातें पहले करें तो वो ये बातें आ जाती हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है इट इज अ मेथड ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट्स. एंड ठीक है, हमने एलिमेंट्स जो हैं वो क्लासिफाई कर दिए ताकि हमें इस बात में आसानी हो कि हम प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रेडिक्ट कर सकें कि कौन सा एलिमेंट अगर ग्रुप थ्री में है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वगैरह वगैरह. और जो एलिमेंट्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर में अरेंज किए जाते हैं. ठीक है. और एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन सेम वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स. एलिमेंट्स इन अ ग्रुप जो है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम आउटर इलेक्ट्रॉन नंबर्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते रहेंगे, गोइंग डाउन द ग्रुप, द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक इन कैरेक्टर. ठीक है. हॉरिजॉन्टल रोज की बात करें तो द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स. मूविंग अक्रॉस अ पीरियड द एलिमेंट्स जो हैं वो मेटालिक नॉन मेटालिक होते जाते हैं. और उसके बाद नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड बट नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल्स स्टेज सेम. ये मैंने जब सारी सहीफा पढ़ा, ये आप लिख दी. ये लिख लें. अच्छा जी, लिख लिया. अब हम श्योर आप सबने जी. अब हम आगे बात करें तो हम बात आती है कि रिएक्टिविटी चेंज कैसे होती है. तो रिएक्टिविटी मेटल्स की जो होती है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर. ये लिख लें जल्दी से, फिर मैं बात करता हूँ इसके बारे में. लिख लें शाबाश. अजीब हुआ मैंने कि एसी लगाई तो सर्दी लगती है, पंखा चलाई तो.
अच्छा जी, ये आपको समझ आ गया। बस इसमें सिर्फ ये लिखने वाली चीज थी और इसमें आपको क्या मैसेज। अब आगे चलते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। ठीक है, एक कॉलम बना लेते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स को मैं ब्लू में लिख लूंगा। नॉन, अच्छा मेटल्स में क्या होता है, रिएक्टिविटी। इंक्रीजेस डाउन द ग्लोब। नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्लोब। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, एक्सेप्ट ग्रुप वन। ठीक है, ग्रुप वन के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एक्सेप्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स अगर हम जाके पढ़ेंगे, बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है मैक्रो मॉलिक्यूल। वैसे बॉन्डिंग में आपने पढ़ा मैक्रो मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल जब हमने किए तो हमने कहा कार्बन जैसे है उसके दो एलोटोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, तो अब वो नॉन मेटल है। ठीक है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद मेटल जो हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स की ऐसी कोई बात है ही नहीं, हम करते ही नहीं। मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो हार्ड है। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रुप वन विच आर सॉफ्ट। ठीक है, मेटल्स हार्ड है, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, लेकिन ग्रुप वन एक्सेप्शन है, ग्रुप वन सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट लिख देता हूँ मैं क्या क्या एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट ग्रुप वन बॉइलिंग पॉइंट्स, एक्सेप्ट जी वन ग्रुप वन, लो मेल्टिंग पॉइंट्स, एक्सेप्ट मैक्रो मॉलिक्यूल। मेरी राइटिंग आपको यकीन समझ में आ रही है। मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल एंड डक्टाइल हैं, लेकिन नहीं। अच्छा एक कलर लिख दिया मैंने एक चीज, अगर मेटल्स हार्ड हैं तो नॉन मेटल सॉफ्ट हैं, एक्सेप्ट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और मेटल्स मैलिबल एंड डक्टाइल हैं लेकिन नॉन मेटल्स ब्रिटल हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। आखिरी एक लिखते हैं, मेटल्स जो हैं वो सोनोरस हैं और नॉन मेटल्स नॉट सोनोरस। लिखने अच्छा ये लिखा लिखा तो नहीं है ना इसको। अच्छा ठीक है, अच्छा सोनोरस की हमने इधर बात की तो सोनोरस क्या होता है जी? अच्छा सोनोरस बेसिकली ये होता है, मेटल एक ऐसा मटेरियल व्हिच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ डीप और रिंगिंग साउंड, जो एक आवाज क्रिएट कर सके।
So basically, तो बेसिकली मेटल्स फ्लावर्स इसलिए होते हैं कि वो सख्त सब्सटेंसेस होते हैं, तो और वो एक डीप और एक तेज और एक ज्यादा इंटेंसिटी वाली साउंड क्रिएट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं कर सकते ना ऐसी साउंड। जी ठीक हो गया। ओके अब अगली चीज जो हम करते हैं वो है ग्रुप 1 एल्कलाई मेटल्स। ग्रुप 1 एल्कलाई मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स आ जाते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसी। ठीक है, मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, याद है लिखना, लिखने को आ गया है। और ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि उनके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं और वो एक अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है उनकी वो कम होती जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। जैसे जैसे हम ग्रुप 1 में डाउन द ग्रुप आते रहते हैं, जैसे कि हमारे पास था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं मेल्टिंग एंड पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज। ठीक है, ड्यू टू रीजन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड कम होती जाती है। ठीक है, हाँ। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड बात है, आप अभी भी देखेंगे और आगे इंशाल्लाह जब आप ए लेवल्स में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब हम किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ठीक है, हम यूजली जब स्टडी करते हैं तो हम दरमियान के 3 4 एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, हम आखिरी वाले को तो हरगिज नहीं करते। जैसे आप एएस में जाएंगे, आप आगे जाएंगे तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये ग्रुप 7 है, लेकिन हम स्टडी सिर्फ इन 3 को करते हैं, इनको नहीं करते। इनको क्यों नहीं करते, क्योंकि ग्रुप है ना एक, उसमें सबसे ऊपर है और एक सबसे नीचे है। उसका मतलब ये है कि अगर वो सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है, उस जो भी हो रहा है ना लीस्ट अफेक्ट है उस पर, उसका उसकी प्रॉपर्टीज भी ठीक नहीं है, उसकी कुछ भी ठीक नहीं है, तो हम दरमियान वालों को भी नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, ज्यादा इस पर सोचिएगा, आप ये लिखें बस आप। सोचे ना, आप ये लिखें, आप आगे आएंगे तो ये लेवल में आए ना, फिर बात करेंगे। हाँ ये लेवल में आए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 मेटल्स जो होते हैं वो काफी रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, रिएक्टिव क्यों होती हैं? अच्छा नहीं, ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, हम नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, और ड्यू टू दिस हायर रिएक्टिविटी जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं दे आर स्टोर्ड इन ऑयल टू प्रिवेंट रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, इनके रिएक्ट करके एक्सप्लोजन हो सकती हैं, हैजर्ड क्रिएट हो सकती हैं डिफरेंट, तो इनको ऑयल के अंदर स्टोर किया जाता है। अब ग्रुप 1 मेटल जो होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं एंड ई कैन इजिली बी कट विद अ नाइफ, इतने सॉफ्ट कि आप समझे कोई मार्शमेलो होता है ना वैसे, नहीं मार्शमेलो नहीं, बिल्कुल जैसे हम नाइफ से ब्रेड काट लेते हैं, कुछ भी काट लें तो उसकी तरह बस सॉफ्ट है, बस इजीली कट हो जाते हैं नाइफ से, कोई कसाई वाला वो बड़ा वो भी ऊंचाई होता है आम नाइफ से, किचन नाइफ से हो जाए,
अच्छा, जितने भी अल्कलाई मेटल्स हैं, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड, और एक सोल्यूशन प्रोड्यूस होती है जो अल्कलाइन होती है. ठीक है, ये लिख लिया आपने, आप ये लिख लिया. अच्छा, ये भी अब आगे आते हैं. स्क्रीन नजर आ रही होगी जी. मैं इधर बात करता हूँ पोटेशियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की. अच्छा नहीं, छोड़ो, मैं इधर बात करता हूँ पोटेशियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, आयरन की, कॉपर की. अब मैंने ये ग्रुप वन मेटल हम कर रहे थे, तो इसकी बात मैंने क्यों कर दी? तो वो किधर गया था? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर. ये बात क्यों कर दी? क्योंकि मैं ग्रुप वन मेटल्स की बात कर रहा हूँ. अब पोटेशियम का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो वो प्रोड्यूस करेगा K2O. बैलेंस करें, हो गया बैलेंस. सोडियम, आप रोज रोज लिखे ना तो याद हो जाता है. सॉरी, आयरन Fe3O2, Fe3O4, कॉपर प्लस O2, UO. ठीक है, अब इधर बात ये है कि जब इन्होंने पानी में हमने इनको डाला, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो पोटेशियम जो है, ये आपको नोट्स मिलेंगे, सब लिखा हो ठीक, ये भी आपने देखा. पोटेशियम जो है, इट बर्न्स विद अ लाइलैक फ्लेम और एक वाइट स्मोक प्रोड्यूस होती है K2O की. और जब इसका पीएच देखा जाता है, तो इसका pH 12 होता है. ठीक है, सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो येलो कलर्ड फ्लेम के साथ बर्न होता है और वाइट स्मोक प्रोड्यूस होती है और Na2O प्रोडक्ट बनता है, और इसका pH 11 होता है सोल्यूशन. सिमिलरली मैग्नीशियम, इट बर्न विद अ वाइट कलर्ड फ्लेम फॉर्मिंग अ वाइट स्मोक, और इसका pH 8 होता है. वेयर एज आयरन एंड कॉपर, दे आर इनसॉल्युबल इन सोल्यूशन. ठीक है, और जो आयरन होता है, इट ग्लोज रेड हॉट एंड बर्न विद ब्लैक कोटिंग ऑफ द ऑक्साइड. कॉपर जो है, इट ग्लोज रेड हॉट एंड व्हेन कूल्ड इज कवर्ड विद ब्लैक कोटिंग ऑफ द ऑक्साइड. ठीक है, हो गया. अब आगे यही चीज ये लिखी हुई है. ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बेशक. स्क्रीन एक, स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ अच्छा, अब नॉन मेटल्स की बात करें तो फास्फोरस, सल्फर, कार्बन. फास्फोरस को रिएक्ट करो पानी में, तो P4+5O2, P4O10, सल्फर S+O2, SO2, C+O2, CO2. अब इससे आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब वाइट फास्फोरस जो होता है, इट कैचेस फायर, वाइट स्मोक बनता है. सल्फर जो है, इसका pH 3 होता है.
Sulfur dioxide burns easily with a blue flame, producing a pungent smelling gas with a pH of 3, और कार्बन जो होता है वो 5 pH के साथ बर्न होता है, कलरलेस गैस प्रोड्यूस होती है CO2, ठीक है, लिख लें इसको, इसको लिखें थर्मल। जी, अब आगे आते हैं ग्रुप 7 की तरफ। ग्रुप 7 क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं, ठीक है। हेलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, एस्टिटीन हो गया, ठीक है। एस्टिटीन को हम नहीं देखते अभी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं। तो स्टार्ट करें और इसको लिखें, लिखना शुरू करें प्लीज। लिख लिया, ओके, बस लिखते जाएं, अब लिखते जाएं। जो चीजें उधर रिपीट हुई थी बस अब वो इधर दोबारा रिपीट हो रही है, बात बेसिकली है। अच्छा, अब हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात करते हैं कि इनके कलर्स क्या हैं और स्टेट एट रूम टेम्परेचर क्या होता है इसका। तो ये है, क्लोरीन प्ले पेल येलो कलर होता है, क्लोरीन का पेल ग्रीन होता है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन होता है, आयोडीन का ब्लैक होता है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, ठीक है, कोई इशू मसला, ओके। मूविंग ऑन टू ग्रुप 8, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। अच्छा, ग्रुप 8 होता है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक है, ग्रुप 0 भी कहते हैं। तो ये हैं, लिखिए इनको प्लीज। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये बिल्कुल इनर्ट गैसेस, इनको इसलिए कहते हैं नोबल स्लैश इनर्ट गैसेस। हाँ, इनर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि रिएक्ट नहीं करती, मोनोटॉमिक गैसेस हैं, स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, अंदर बाहर एक एक शेल इसका फुल होता है मैक्सिमम। तो ये कोई इसमें ना एक इलेक्ट्रॉन कम होता है ना ज्यादा होता है, कुछ नहीं होता।
ठीक ये पता नहीं वो डॉट सा लगा हुआ था जो नहीं है। ठीक अच्छा हम कहते हैं कि बड़े अनरिएक्टिव हैं तो इनका पर्पस क्या है, हम इनका क्या करना है, चार डालें। लेकिन इसके काफी यूजेस होते हैं, वो यूजेस क्या हैं वो ये देख लें। हीलियम जो होता है वो बलून्स में इस्तेमाल होता है, हीलियम के गुब्बारे होते हैं और बेसिकली जो वो आप छोड़ते हैं बलून तो वो ऊपर चला जाता है, मतलब छूट गया तो बस गया ना, तो उसमें बेसिकली हीलियम होती है। और उसके बाद आर्गन जो होता है वो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसमें ये इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इनर्ट है तो ये खुद रिएक्ट नहीं करेगा। नियॉन की लाइट्स होती हैं, गाड़ियों में भी लगती हैं, जो स्पोर्ट्स कार होती हैं उनके नीचे वगैरह लाइट्स लगी होती हैं, नियॉन की होती हैं। क्रिप्टॉन जो होता है वो गैस फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जीनॉन इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स, रेडॉन नेचुरल रेडियो एक्टिव गैस। ठीक है अब आगे आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरफ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल में ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के दरमियान होते हैं। ठीक है इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और डी ब्लॉक मेटल्स भी कहते हैं। लेकिन ये बात एक याद रखिएगा कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो डी ब्लॉक मेटल्स में से ही होंगे, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। ठीक है ट्रांजिशन मेटल्स ये इतनी देर में लिखे ना मैं। ट्रांजिशन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो क्या करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाउ टू आइडेंटिफाई देम। तो वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? वो प्रॉपर्टीज ये हैं, लेकिन कलेट कंपाउंड्स बनते हैं इसके। ठीक है जब भी कोई कंपाउंड बन रहा होगा तो उसके कलेट कंपाउंड्स होंगे। एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की हमने बात रेट ऑफ रिएक्शन में की थी। दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दे यूजली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है दे हैव हाई डेंसिटी। मैं आपको एक बात बताऊं, पेपर में आता है क्वेश्चन कि तीन बताएं प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, मैं हमेशा कैंडिडेट्स को कहता हूँ आप ये तीन लिखें। ये पक्की पक्की ये लिखें, ये सबसे अच्छी है। बाकी तीन जो हैं ये भी अच्छी हैं कि हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, हैव लो हाई डेंसिटीज, लेकिन जो पहली तीन है ना वो सबसे अच्छी है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, देयर कंपाउंड दे एक्ट एज कैटलिस्ट, दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन देयर कंपाउंड्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या मतलब है? गुड क्वेश्चन। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब यह है कि आपने देखा था कि आपके पास आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव था और Fe3 पॉजिटिव था ना, देखा हुआ है ऐसा, तो बस यही मतलब है इसका कि Fe जो है वो 2+ भी हो सकता है और Fe जो है वो 3+ भी हो सकता है। ठीक है अंडरस्टूड, चलिए गुड हो गया है, थैंक यू। पीरियोडिक टेबल का लेक्चर इधर खत्म हुआ। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग सब आए, और प्लीज इधर हमें लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट अकाउंट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू एंड